मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट हैज पास्ड एन एयर टू ग्लास इंटरफेस इनटू अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास टू एयर इंटरफेस पैरेलल टू ओरिजिनल इंटरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. Although light propagates more slowly in the gas, its frequency does not change. तो ये तो सही है, frequency change नहीं होती. At certain angles, the light totally reflects at the second surface. तो ये यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है कि ये glass slab एक तरह से यहाँ से light आ रही है और फिर इधर जाएगी और फिर इधर निकल जाएगी. तो totally reflect करने के लिए critical angle से ज़्यादा होना चाहिए. और critical angle से ज़्यादा होगा तो critical angle से ज़्यादा के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, चलो करके देख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया म्यू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया, ये क्रिटिकल एंगल सी हो गया, तो ये एंगल भी सी के इक्वल होगा. और यहां से साइन सी इक्वल होता है वन अपॉन म्यू के, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला. ये एंगल मान लिया आई है, तो स्नेल्स रूल लगाएंगे तो म्यू वन यानी वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू यानी म्यू इंटू साइन आर, आर की जगह आएगा सी, तो ये वन अपॉन म्यू हो जाएगा, म्यू से म्यू कट गया यानी आई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी. यानी होगा ही नहीं ऐसा, 90 डिग्री तो ये पैरेलल हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता. टी आई आर के लिए अंदर से ही हमें क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर रे छोड़नी होती है, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा. तो बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. सी ऑप्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द ग्लास टू एयर इंटरफेस इज लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ग्लास टू एयर यानी ग्लास टू एयर यानी ये, तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी ये इमरजेंट एंगल, तो ये ज्यादा होगा इस एंगल से क्लियरली, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये बात सही लिखी है यहां पे. डी, व्हाइल लाइट ट्रांजिट आउट द ग्लास एट द सेकेंड इंटरफेस सम रिफ्लेक्ट बैक इन टू द ग्लास. हाँ, वो हर सर्फेस के साथ होता है, हर सर्फेस पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये भी ठीक है. तो बी ऑप्शन है यहां पे जो इनकरेक्ट है, बाकी सही है.